मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश की दिन भर की कुछ बड़ी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के साथ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि जब कोरोना की पहली वेव आई थी तब ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर खाली पड़े थे, लेकिन यह दूसरी लहर बेहद खतरनाक है जिसमें अधिकांश लोगों को ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सरकार चाहे कितनी भी सुविधाएं बढ़ा ले, लेकिन कोरोना की रफ्तार 4 गुना है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी बनी रहेगी। हम संक्रमितों की चेन तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक कर संक्रमण को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा है कि आम जन के कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करने से ही संभव होगा, जिससे अविलंब संख्या में ब्रेक लगेगा, अन्यथा स्थिति आने वाले दिनों में भयावह बन सकती है। दूसरी बड़ी अपडेट, प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसकी चपेट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा परिवार आ चुका है। मुख्यमंत्री के भाई अग्रसेन गहलोत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उनकी पत्नी और पुत्र वधु होम आइसोलेशन में है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत और उनकी पत्नी पहले से ही कोरोना संक्रमित है। अगली बड़ी अपडेट, राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 154 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। वहीं 16,974 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों की तुलना से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस में अब कमी होती हुई नजर आ रही है। जोधपुर से बड़ी खबर, महामारी रेड अलर्ट, जन सुरक्षा पखवाड़े के तहत जोधपुर पुलिस ने गाइडलाइन के बाद पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शादी समारोह में नियमों के उल्लंघन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिले के डांगियावास थाना पुलिस ने काकेलाव गांव में देर रात एक शादी समारोह में यह कार्रवाई की गई। दरअसल नई गाइडलाइन में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 31 निर्धारित की गई है, लेकिन डांगियावास थाना अधिकारी कन्हैया लाल ने बताया है कि काकेलाव गांव में 100 से अधिक व्यक्ति शादी समारोह में शामिल थे। जैसे ही विवाह समारोह की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस वहां जांच करने पहुंची तो भीड़ देखकर पुलिस वाले चौंक गए। वहां बड़ी संख्या में लोग भोजन कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शादी समारोह में अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं थे। समारोह में पुलिस को मौके पर 100 से अधिक लोग मिले हैं, जिस पर पुलिस ने आयोजनकर्ता पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए चालान काटा है। अधिकांश लोगों को वहां से रवाना कर दिया गया। पुलिस के अनुसार 1,00,000 की राशि जमा नहीं करवाने पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कार्यवाही से पहले पुलिस ने वीडियो ग्राफी भी की थी। अगली बड़ी अपडेट, क्रिकेट प्रेमियों के लिए 29 मैच के बाद आईपीएल आखिरकार रोक दिया गया है। कई खिलाड़ियों को कोरोना होने के बाद टूर्नामेंट को सस्पेंड कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि बचे हुए मैच रिशेड्यूल किए जा सकते हैं। तो यही थी प्रदेश की आज की दिन भर की कुछ बड़ी अपडेट्स। राजस्थान समेत देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।